हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सोल्यूशन आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 ठीक है ये कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन में तुम्हारे पास दो फिगर्स गिवन है ठीक है यहाँ पर तुम्हारे पास गिवन है दैट डी ई इज़ पैरल टू बी सी पहले पार्ट में दिस इज योर फर्स्ट फिगर एंड दिस इज योर सेकेंड फिगर ठीक है डी ए पैरल है बी सी के तो बच्चों मुझे पता है कि हमने क्या पढ़ा है बाय बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर तुम कह सकते हो बाय थेल्स थ्योरम ठीक है थेल्स थ्योरम क्या कहता है बच्चों क्या पढ़ा है हमने कि अगर किसी ट्राइंगल में डी ई इज़ पैरल टू बी सी तो मैं कह सकती हूँ आई कैन से जो इनका रेशियो होगा बच्चों क्या ए डी अपॉन डी बी होगा वो किसके इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा ठीक है यहाँ पे तुम्हारे पास ए डी गिवन है वन पॉइंट फाइव और डी बी गिवन है थ्री इसी तरीके से ए ई गिवन है वन सेंटीमीटर इसी तो मैं फाइंड आउट करना है है कि नहीं तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ई सी इज इक्वल टू थ्री ये ऊपर आ जाएगा है कि नहीं थ्री ऊपर आ जाएगा नीचे वन पॉइंट फाइव आ जाएगा ठीक ये डेसिमल हटाओ तो ऊपर जीरो लग जाएगा ठीक है फिफ्टीन टू जार थर्टी तो इसका आंसर आ जाएगा टू सेंटीमीटर्स ठीक ये तो तुम्हारा ई हो गया राइट ठीक अब आ जाओ तुम सेकेंड पार्ट पे यहाँ पर अगेन अगर हमें पता एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें हम बी लगाते हैं तो बाय अप्लाइंग बी और यू कैन से थेल्स थ्योरम भी इसका नाम है ठीक है तो मैं क्या कह सकती हूँ यहाँ पे बच्चों डैट ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ये कह सकते हैं हम ए डी तुम्हें फाइंड आउट करना है डी बी इज़ सेवन पॉइंट टू एज़ एट पॉइंट वन पॉइंट एट ई सी इज़ फाइव पॉइंट फोर ठीक है क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा ए डी इज़ इक्वल टू वन पॉइंट एट इन टू सेवन पॉइंट टू ऊपर आ जाएगा है ना नीचे फाइव पॉइंट फोर हमें पता है अब अच्छा देखो ये डेसिमल डेसिमल के बाद एक डिजिट है इस चीज़ का ख्याल रखो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक डिजिट तो मैं क्या करती हूँ अगर डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं तो हम कैंसिल कर सकते हैं डेसिमल्स को ठीक डेसिमल्स कैंसिल हो गए यहाँ क्या बच्चा 18 इन सेवन पॉइंट टू नीचे क्या बच्चा 54 ठीक अब देखो 18 की टेबल में थ्री टाइम्स जाता है 54 ठीक है तो ये थ्री से ऊपर को डिवाइड करो 7.2 को तो ये कितना हो जाएगा थ्री टू जिक्स पॉइंट ठीक है तो ए डी इज़ इक्वल टू टू ठीक है तो यहां पर एडी का भी तुम्हारा आ गया 2.4 पॉइंट फोर सेंटीमीटर्स ठीक है बच्चों आसान था है ना इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा ठीक है अब आ जाओ तुम इसके क्वेश्चन नंबर टू पर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू में ये कह रहे हैं तो हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर इसमें ई एफ इज पैरल टू क्यू आर ठीक है और ये टू डिस्टिंग पॉइंट पे इसको कट कर रहा है ठीक है तो बच्चों हमको फर्स्ट वाले में गिवन है दैट पी ई पी ई कितना है तुम्हारे पास थ्री पॉइंट नाइन ठीक है ई क्यू गिवन है तुम्हारे पास थ्री सेंटीमीटर पी एफ गिवन है थ्री पॉइंट सिक्स और एफ आर गिवन है टू पॉइंट फोर ठीक है तो तुमको बताना है अच्छा दिस इज नॉट गिवन बच्चो सॉरी एम सॉरी दिस इज नॉट गिवन आपको ये प्रूफ करना है ठीक है हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ इस पैरल टू क्यू आर हमें प्रूफ करना है ठीक है बच्चों सॉरी चलो अब मैं क्या करूंगी बच्चों कि हमको भाई आ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम तो पता था कि अगर एक लाइन दूसरे के पैरल है तो उनका रेशियो सेम है ठीक लेकिन अगर बच्चों हम उसका कन्वर्स लगाते हैं कन्वर्स क्या होता है उल्टा अगर इनका रेशियो सेम है तो लाइंस भी पैरल होंगी ठीक है नहीं तो मैंने यहां पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाया है ठीक है चलो अब हम देखते हैं जरा सा क्या है हम देखेंगे ई अपॉन ई क्यू इसके ऊपर ये वाला रेशियो क्या आ रहा है ठीक फिर हम निकालेंगे पी एफ अपॉन एफ आर ठीक तो देखो ई अपॉन ई क्यू कितना है थ्री पॉइंट नाइन अपॉन थ्री ये कितना हो जाएगा थ्री की टेबल पढ़ो तो ये हो जाएगा थ्री वन जी थ्री थ्री जो नाइन है कि नहीं वन पॉइंट थ्री सेंटीमीटर राइट अब चलो यहां पे देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा थ्री पॉइंट सिक्स पी एफ एस थ्री पॉइंट सिक्स एफ आर एस टू पॉइंट फोर ठीक है तो देखो बच्चों हमें पता है डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं देखो दोनों में डेसिमल के बाद एक एक डिजिट है तो मैं डेसिमल रिमूव कर सकती हूँ ठीक है क्लियर है तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा आ, टू से डिवाइड करके देखो इसको यह थ्री ट्वेल्थ से करते हैं ट्वेल्व थ्री जार थर्टी सिक्स ठीक है ट्वेल्व टू जार ट्वेंटी फोर ये टू पॉइंट थ्री टू अपॉन थ्री अपॉन टू आया मतलब वन पॉइंट फाइव है कि नहीं ठीक है तो क्या ये दोनों इक्वल हैं तो हमने यहाँ पर देखा कि बिकॉज पी ई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर तो हमने क्या लगाया बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या कह सकते हैं वी कैन से दैट ई एफ इज नॉट पैरल टू क्यू आर क्या लिख सकते हैं ई एफ इज नॉट पैरल टू क्यू आर ठीक है बच्चों सही है अब आ जाओ तुम इसके सेकेंड पार्ट पे देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर टू के सेकेंड पार्ट में अगेन हमें क्या करेंगे रेशियो ले लेंगे पी ई अपॉन ई क्यू का ठीक है वो कितना आ रहा है और हम ले लेंगे रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर का ठीक है अब देखो पी ई अपॉन ई क्यू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा फोर ई क्यू इज़ फोर पॉइंट फाइव ये नहीं कट रहा है आगे इसको अभी ऐसे ही छोड़ो पी एफ अपॉन एफ आर ये हो जाएगा एट अपॉन एफ आर इज़ नाइन ठीक है टू से डिवाइड करूँ मैं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा टू फोर जीट नीचे हो जाएगा फोर पॉइंट फाइव तो यहाँ तो बच्चों सेम आ रहा है, है कि नहीं तो हमें पता है यहाँ पर कि पी ई अपॉन ई क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है कि नहीं तो हम क्या कह सकते हैं अगर ये रेशो सेम है तो आई कैन से बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी यह है कन्वर्स ऑफ बीपीटी कि अगर रेशियो सेम है दिस इंप्लाइज दैट वो लाइनें आपस में पैरेलल होंगी तो आई कैन से दैट ईएफ इज पैरेलल टू क्यूआर ठीक है क्लियर है अब आ जाओ तुम इसके थर्ड पार्ट पर अगेन हम यहाँ पर क्या निकालेंगे लेकिन बच्चों यहाँ पर थर्ड पार्ट में देखो तुम्हारे पास पीक्यू गिवन है और पी ई गिवन है क्यूई सॉरी e, पी क्यू थर्ड पार्ट में बच्चों आपके पास पी क्यू पूरा गिवन है है कि नहीं पी क्यू पूरा गिवन है और पी ई -E गिवन है उसी तरीके से पी एफ गिवन है और पी आर है ये नीचे वाले रेशियो नहीं गिवन है तो इस पर भी हम बी पी टी लगा सकते हैं कैसे मैं कह सकती हूँ पी ई -E, छोटा वाला पार्ट ऊपर का अपॉन पूरी लाइन ठीक और दूसरी साइड पे पी एफ और यहाँ पर पूरी लाइन पी आर ठीक है अब देखो पी ई अपॉन पूरा पी क्यू कितना हो जाएगा पी इज़ जीरो पॉइंट वन एट और पी क्यू इज़ वन पॉइंट टू एट हमने भी क्या पढ़ा है बच्चों कि डेसिमल के बाद अगर सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स होते हैं दोनों तरफ दो दो हैं तो हम डेसिमल को रिमूव कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पर बच्चों इसको डिवाइड करना ज़रा सा तो ये हो जाएगा टू से करके देखो टू नाइन टू नाइन ज़ार एटीन नीचे हो जाएगा टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व टू फोर ज़ार एट ठीक है उसी तरीके से नीचे देखो बच्चों पी एफ क्या है तुम्हारे पास है जीरो पॉइंट थ्री सिक्स अपॉन पी आर कितना है टू पॉइंट फाइव सिक्स देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ़ डिजिट्स तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा ठीक है सही फ़ोर से करो फोर नाइन ज़ार थर्टी सिक्स नीचे फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर 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 ज़ार सिक्सटीन तो देखो मेरे पास रेशियो सेम आ रहा है ठीक है यहाँ से मैं कह सकती हूँ दैट पी ई अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर ठीक है तो हम लगाते हैं अगेन कन्वर्स लगाते हैं ऑफ बी पी टी बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी हम क्या कह सकते हैं बच्चों डाट ई एफ इज पैरल टू क्यू आर ठीक है सेकेंड पार्ट में भी पैरल है थर्ड पार्ट में भी पैरल है बस सेकेंड में नहीं था फर्स्ट में नहीं था सॉरी ठीक है हिअर वी कंप्लीट फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम एक्साइज सिक्स पॉइंट टू वीडियो पसंद आई तो प्लीज आपको सब्सक्राइब करना थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सोल्यूशंस